और नए शहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। अर्बन प्लानिंग हमें बहुत काम करना है उस क्षेत्र में। इसमें भी हमें ऐसे वॉक टू वर्क कंसेप्ट और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण करना है जहां श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बेहतर अरेंजमेंट्स हो। अर्बन प्लानिंग में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे यहां एक ग्रुप ने बड़े शहरों के लिए नेशनल साइकिलिंग प्लान और कार फ्री जोन्स की बात रखी। ये शहरों में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा, मैं जब COP26 की समिट में गया था तब मैंने एक मिशन लाइफ की बात कही है। और ये लाइफ का मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ। और मैं मानता हूं कि हमने लोगों में उन चीजों को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, जैसे एक P3 मूवमेंट आज अनिवार्य है, प्रो प्लेनेट पीपल P3 मूवमेंट। हमें जब तक जन सामान्य को एनवायरमेंट के लिए जागरूक नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की जो लड़ाई है उसके सिपाही नहीं बनाएंगे, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। और इसलिए भारत मिशन लाइफ को लेकर के अनेक विध देशों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। साथियों, स्मार्ट मोबिलिटी से शहरों का जीवन भी आसान होगा और कार्बन एमिशन के हमारे टारगेट्स को अचीव करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े मिलेनियल मार्केट के रूप में अपनी पहचान को भारत लगातार सशक्त कर रहा है। मिलेनियल आज अपने परिवारों की समृद्धि और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता दोनों के आधार हैं। रूरल इकोनॉमी से लेकर इंडस्ट्री 4.0 तक हमारी जरूरतें और हमारा पोटेंशियल दोनों असीमित है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट आज सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन बेहतर होगा कि इंडस्ट्री भी इसमें अपना योगदान, अपना दायरा बढ़ाए। साथियों, 21वीं सदी के दशक में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देश में भी बहुत बड़ा मार्केट तो अब खुल रहा है। हमने डिजिटल लाइफस्टाइल में अब जाकर कदम रखा है। अभी तो हमारी करीब आधी आबादी ही ऑनलाइन हुई है। जिस स्पीड से, जिस स्केल पर, जिस कीमत में आज गांव गांव, गरीब से गरीब तक सरकार डिजिटल एक्सेस देने के लिए काम कर रही है, उससे बहुत कम समय में भारत में करीब 100 करोड़ इंटरनेट यूजर होने वाले हैं। जैसे जैसे दूर सुदूर क्षेत्रों में लास्ट माइल डिलीवरी सशक्त हो रही है, वैसे वैसे ग्रामीण मार्केट और ग्रामीण टैलेंट का बड़ा पुल भी बनता जा रहा है। इसलिए मेरा भारत के स्टार्टअप से आग्रह है कि गांव की तरफ भी बढ़े। ये अवसर भी है और चुनौती भी। मोबाइल इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या फिजिकल कनेक्टिविटी, गांव की आकांक्षाएं आज बुलंद हो रही हैं। रूरल और सेमी अर्बन एरिया एक्सपांशन की नई वेव की राह देख रहे हैं। स्टार्टअप कल्चर ने आइडिया को जिस प्रकार डेमोक्रेटाइज किया है,
महिलाओं और लोकल बिजनेस को एम्पावर किया है। आचार पापड़ से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक अनेक लोकल प्रोडक्ट्स का दायरा आज व्यापक रूप से बढ़ा है। जागरूकता बढ़ने से लोकल के लोग उसके लिए लोग वोकल हो रहे हैं। और अभी जब हमारे जयपुर के साथी ने कार्तिक ने लोकल को ग्लोबल की बात कही और उन्होंने वर्चुअल टूरिज्म की बात कही, मैं आग्रह करूंगा आप जैसे साथियों को कि आजादी के 75 साल हो रहे हैं, क्या आप देश के स्कूल कॉलेज के बच्चों का एक कंपटीशन करें और वे अपने जिले में अपने शहर में आजादी से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो स्मारक है, इतिहास के जो पन्ने हैं, उसका वर्चुअल क्रिएटिव वर्क करें और आप जैसे स्टार्टअप उसको कंपाइल करें और आजादी के 75 साल निमित्त वर्चुअल टूर के लिए देश को निमंत्रित किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में स्टार्टअप दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपका विचार अच्छा है, उस विचार को किस रूप में लाया जाए उसकी अगर आप शुरुआत करेंगे तो मैं पक्का मानता हूं कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि लोकल स्तर पर कैसे छोटे छोटे इनोवेटिव मॉडल्स ने लोगों का जीवन आसान किया है। छोटे लोकल बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा अवसर स्टार्टअप्स के पास है। स्टार्टअप्स इन लोकल बिजनेस को एम्पावर कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। छोटे बिजनेस देश के विकास की रीढ़ है और स्टार्टअप्स नए गेम चेंजर है। ये साझेदारी हमारे समाज और इकोनॉमी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, विशेष रूप से विमेन एम्प्लॉयमेंट को इससे बहुत बल मिल सकता है। साथियों, यहां एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ एजुकेशन टूरिज्म सहित हर सेक्टर में सरकार और स्टार्टअप की साझेदारी को लेकर अनेक सुझाव आए हैं। जैसे एक सुझाव आया था कि हमारे यहां जो दुकानदार है वो उसकी जो कैपेबिलिटी उसका मुश्किल से 50-60% उपयोग कर पा रहा है और उन्होंने एक डिजिटल सॉल्यूशन दिया ताकि उसको पता रहे कि कौन सा सामान खाली हो गया है, कौन सा लाना है वगैरह। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप उस दुकानदार को उसके जो ग्राहक हैं उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो दुकानदार ग्राहक को सूचना कर सकता है कि आपकी ये तीन चीजें 3 दिन के बाद खाली हो जाने वाली है, आपके घर में ये 7 चीजें 5 दिन के बाद खाली हो जाने वाली है, उसको मैसेज जाएगा तो घर वाले जो हैं उनको भी डिब्बे नहीं खंगालने पड़ेंगे किचन में कि सामान है कि नहीं है, फलाना है कि नहीं, टिकना है कि नहीं है। ये आपका दुकानदार ही उसको मैसेजिंग कर सकता है और आप इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ दुकान की एफिशिएंसी नहीं, परिवार की रिक्वायरमेंट के लिए भी उनको दिमाग खपाना नहीं पड़ेगा, आपका मैसेज ही चले जाएगा कि आपकी हल्दी 1 महीने के लिए ले गए थे, 3 दिन के बाद खत्म होने वाली है। तो आपको बाजार एक बहुत बड़ा आप एग्रीगेटर बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा ब्रिज बन सकते हैं। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के हर सुझाव, हर आइडिया, हर इनोवेशन को सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। देश को आजादी के 100वें वर्ष की तरफ ले जाने वाले ये 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये इनोवेशन यानी आइडियाज, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट का नया दौर है। आपका श्रम भारत के लिए है, आपका उद्यम भारत के लिए है, आपकी वेल्थ क्रिएशन भारत के लिए है, जॉब क्रिएशन भारत के लिए है। मैं आपके साथ मिलकर के
कंधे से कंधा मिला करके आप नौजवानों की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। आपके सुझाव, आपके आइडियाज, क्योंकि आप एक नई जनरेशन है जो नए तरीके से सोचते हैं, जो व्यवस्थाओं को समझना स्वीकारना बहुत आवश्यक हो गया है। और मुझे विश्वास है कि 7 दिन के मंथन से जो चीजें निकली है, सरकार के सभी विभाग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए सरकार में इसका कैसे उपयोग हो, सरकार की नीतियों में कैसे इसका प्रभाव हो, सरकार की नीतियों के द्वारा समाज जीवन को इसको कैसे लाभ करता हो, इन सारे विषयों का लाभ होने वाला है। मैं इसलिए आप सबको इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आपका अमूल्य समय, क्योंकि आप आइडियाज की दुनिया के लोग हैं और इसलिए आपका समय आइडियाज में ही रहता है और वो आइडियाज आपने सबके बीच बांटे, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का पावन पर्व अभी भी हवा में वही माहौल है, उस बीच कोरोना में आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।